नमस्ते, मैं उज्ज्वला, महाराष्ट्र पुणे से। हमारे सभी के घर में चाय तो बनती ही है। सभी लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं क्योंकि हमें उससे एनर्जी मिलती है। तो यही एनर्जी हम अगर अपने पौधों को भी दे सके, और वो भी बिना पैसे खर्च किए, तो अच्छा लगेगा ना। पौधों को भी और हमें भी अच्छा लगेगा। तो आज हम ऐसे ही फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जो एनपीके का काम करता है। इसका लिक्विड बनाकर भी डाला जा सकता है और वो घर की वेस्ट चीजों से मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है वो फर्टिलाइजर, इसे चाय पत्ती कहते हैं। चाय की पत्ती हम चाय बना के रोज ही फेंक देते हैं, मगर अब इसे कभी अभी फेंके नहीं। इसे अच्छे से धोकर, सुखाकर स्टोर कर सकते हैं। धोना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि चाय में जो हम दूध, शक्कर जैसी चीजें मिलाते हैं वो पौधे को नुकसान कर सकती है। जैसे शक्कर होने पर हमारे पौधे की मिट्टी में चींटी आ जाएगी, और दूध से मिट्टी में फंगस हो सकती है, और दूध सूखने पर गंदी स्मेल भी तो आती है। तो इस चाय पत्ती को अच्छे से 3-4 बार पानी से धोकर, छान के इसे सुखाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ज्यादा मात्रा में एनपीके के गुण पाए जाते हैं। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिससे हमारी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। साथ में इसमें टैनिक एसिड भी होता है, जिससे हमारे गमले की मिट्टी एसिडिक होती है, और इसीलिए इसे ज्यादातर फूलों के पौधे में यूज किया जाता है, क्योंकि फूल वाले पौधे हमेशा एसिडिक सॉइल ही पसंद करते हैं। साथ में ये मीठा नीम या जैसे कड़ी पत्ता बोलते हैं, और टमाटर जैसे प्लांट में भी यूज कर सकते हैं। सूखी चाय पत्ती रात भर पानी में भिगा कर छान कर उसे लिक्विड फॉर्म में बना के हम मिट्टी में डाल सकते हैं। उसका स्प्रे कभी भी नहीं करना चाहिए। छान कर बची हुई जो चाय पत्ती रहती है उसे हम कंपोस्ट बैग में डाल सकते हैं, और इसे सूखा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी फॉर्म में। अगर इसको इस्तेमाल जब हम करें, तब हम गमले की अच्छे से गुड़ाई कर दें और इसकी मिट्टी ऐसे थोड़ी सी बाजू हटा दें। गमले के रिम के साथ साथ फर्टिलाइजर का यूज करना है। गमले के स्टेम के पास कभी भी कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना, ऐसी मिट्टी बाजू की, और इतनी मात्रा में, मात्र इतनी इतनी मात्रा में हमें इस पर सभी ऐसे राउंड में छिड़कना है, और फिर से मिट्टी को दबा देना है इसके ऊपर। इसका हवा के साथ संपर्क नहीं होना चाहिए, और अब इसको ऊपर से हम पानी दे सकते हैं। संपर्क में आकर ये फंगस पैदा करती है, और जिससे पौधे को हमारे नुकसान होता है। ये गीली होकर या हवा में, इसमें फंगस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसे अच्छे से धोकर सुखाकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे 8 या 10 दिन में करीब करीब आधा चम्मच का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप महीने में करना चाहते हो तो 2-3 चम्मच डाल सकते हैं। लेकिन इसे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने पर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक बनेगी और पौधे को नुकसान देगी। इसे और असरदार बनाने के लिए हम इसमें अंडे के छिलके जो धोकर अच्छे से सुखाए हुए हो, वो छिलकों को पीस कर अच्छे से इसमें डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये एनपीके के साथ साथ पौधे को कैल्शियम भी मिलेगा। अंडे के छिलके में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। दूसरे फर्टिलाइजर को एक्टिव करने का काम चाय पत्ती करती है। तो कैसे लगा आपको ये मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।